हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के विषय में बात करने वाले हैं, लॉकडाउन में अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं किसी आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए, जैसे कि दूध, सब्जी, दवाई, या अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, इमरजेंसी है या हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे ई पास बुक करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स बताने वाला हूं। अगर आप ई पास बुक कर लेते हैं तो आपको पुलिस हो या कोई भी अधिकारी हो, आपको रोकेगा नहीं, आपको जाने देगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, झारखंड से बिलोंग करते हो, या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, या दिल्ली से बिलोंग करते हो, या आप हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, किसी भी स्टेट, या महाराष्ट्र, या तमिलनाडु, या एमपी, या चंडीगढ़, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बुक करेंगे अपना ई पास, कैसे ऑनलाइन करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है, पूरे राज्य में लॉकडाउन है और उस स्थिति में अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि सब्जी का सामान खरीदने, या दूध या दवाइयां खरीदने, या हॉस्पिटल जाना है, या किराना स्टोर पे राशन खरीदने जाना है, तो उस कंडीशन में आप घर बैठे एक ई पास बुक कर सकते हैं। और अगर आप ई पास को लेकर जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे स्टेट को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कैसे आवेदन करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताना है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक स्टेट को कवर किया हुआ है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, यहां तक कि महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, एमपी, राजस्थान, तो पूरे स्टेट का मैं आप यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए सॉरी, बट यहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जान लेते हैं यहां पे बिहार में, तो अगर आप बिहार में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं ई पास के लिए, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट सर्विस प्लस के लिए। यहां पे आपको करना होगा लॉग इन। अगर आप पहले यूजर है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना होगा और यहां से आप ई पास बुक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पे भी दिखा रहा है रेड कलर में, इश्यूएंस ऑफ ई पास फॉर कोविड-19 डिजास्टर। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये वाली वेबसाइट है। फ्रेंड्स, इन सबका वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाम वाइज मैं दूंगा कि ये झारखंड की वेबसाइट है, बिहार की वेबसाइट है, दिल्ली की वेबसाइट है, ठीक है ना, या ये केरला की वेबसाइट है, ये महाराष्ट्र की वेबसाइट है। तो आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं यहां पे अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप दिल्ली से आवेदन करना चाहते हैं, दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पे आपको देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है ई पास के लिए। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले कंटिन्यू इन इंग्लिश और अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन लैंग्वेज चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट डू यू नीड विद हेल्प, तो आपको किस प्रकार के राशन चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फूड चाहिए या राशन चाहिए या पेंशन अमाउंट या ई पास ट्रेवल ड्यूरिंग कर्फ्यू। तो अगर आप राशन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे राशन रिक्वायर्ड करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एप्लीकेंट नेम, एड्रेस फिल करना है और सबमिट करना है। तो ऐसे आपको आगे प्रोसेस करना है। ये दिल्ली की वेबसाइट है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं ये है हरियाणा की वेबसाइट जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, आपको यहाँ पे नेम ऑफ द स्टोर या शॉप का नाम डालना है, उसके बाद ओनर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करनी है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगे गए हैं, वेजिटेबल, पोटैटोज, ईग, ब्रेड, ये क्या चीज आप लेना चाहते हैं, या केमिस्ट या मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो ये पूरी डिटेल्स आप भर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की ई पास मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे अप्लाई ई पास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और अलग से वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जिसमें आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आपको एक आगे प्रोसेस करके दिखा दे रहा हूं। मैंने आप मोबाइल नंबर फिल कर लिया, मैं करूंगा सबमिट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे ओटीपी चला जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे और मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के जैसे ही वेरीफाई करूंगा फ्रेंड्स, सबमिट करूंगा तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फॉर्म जैसे ही ओपन होगा आप क्या करेंगे उस पर पूरा डिटेल्स फिल करके ई पास जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, मैं यहाँ करूंगा सबमिट। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया यहाँ पे ओटीपी और यहाँ पे इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स फिल करना है। आप देख सकते हैं जेंडर है,
यहाँ पे अप्लीकेंट नेम आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज का ऑप्शन है ये भी आप चूज कर सकते हैं, जेंडर यहाँ पे अपना चूज करेंगे मेल या फीमेल। उसके बाद से यहाँ पे आपको किस डिस्ट्रिक्ट से आप जाना चाहते हैं, अक्रॉस विद इन डिस्ट्रिक्ट या अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है या उसके बाहर जाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट ऑफ अप्लाई, मेरठ है पूरे, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि पास फॉर सेल्फ या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्फ के लिए या ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप जो भी चाहे, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपकी कंपनी है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, अगर सेल्फ जाना चाहते हैं तो सेल्फ चूज करेंगे। अब पूछ रहा है पे सर्विस टाइप, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा या पशु के स्वास्थ्य सेवा सहित, तो ये आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको, कारागार, जनरल प्राइवेट स्टोर, जल आपूर्ति, बैंकिंग, ठीक है ना, राशन की दुकान, तो ये सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे चूज करके आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ आईडी प्रूफ भी अपलोड करना है, जेपीजी में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इस तरह से। अगर फ्रेंड्स आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये वाली वेबसाइट पर आप जाके यहाँ पे डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक चूजर है, डिस्ट्रिक्ट आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है या किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ये आप चूज करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है कैटेगरी, तो एसेंशियल सर्विस पास, मतलब आपको यहाँ पे देख सकते हैं एटीएम है, डिलीवरी वर्क है, फ्रूट्स है, गवर्नमेंट ऑफिस है, या हेल्थ वर्कर है, या अदर है, या सैनिटाइजेशन है। उसके बाद से पावर, इलेक्ट्रिक, अदर, यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल वेंडर, ठीक है ना, तो मतलब जितने भी आप यहाँ पे एसेंशियल चीजें हैं उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसके बाद से एक आईडी आपको देना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड है या इशूड बाय डिपार्टमेंट, उसके बाद से आईडी आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये सारे डिटेल्स आपको फिल करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ई पास जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ट्रैक ई पास कुछ समय लगेगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप फॉर्म फिलअप कर देंगे ना तो उसके कुछ देर बाद आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा या ईमेल पे एसएमएस आएगा कि आपका पास जनरेट हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे ट्रैक ई पास का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे जब आप सबमिट करेंगे, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि अभी तक आपका जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस प्रकार से, ये फॉर्म खुल के आएगा, यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं जो भी आप जाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के लिए आप जाना चाहते हैं। एसेंशियल है, हेल्थ वर्क पास है, मीडिया पास है, सिक्योरिटी वर्क है, एसेंशियल सर्विस पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, एटीएम, बैंकिंग, उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये वाली वेबसाइट पे आप आवेदन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ये वाली वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे। अगर आप फ्रेंड्स महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ये वाली वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पास डाउनलोड करा, यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, जिस इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होगा जो कि महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले कि फोटो का आपका साइज होना चाहिए, उसके बाद से ये देख सकते हैं महाराष्ट्र भाषा में लिखा हुआ, मुझे पढ़ने का ढंग नहीं आ रहा है, यहाँ सबमिट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे मांगा गया आपको भरना है, उसके बाद से फोटो भी लगाना है और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है, उसके बाद से सबमिट करना है। सबमिट करेंगे फ्रेंड्स तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और उसके बाद से आपको क्या करना होगा, चेक स्टेटस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे वो टोकन नंबर से आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो स्टेटस बता देगा कि आपका सबमिट हो गया कि नहीं हुआ है, मतलब जो भी स्टेटस रहेगा, रिजेक्ट हुआ कि आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे आपको दिखाई दे देगी। कुछ देर बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं ई पास के लिए। अगर आप फ्रेंड्स राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको ये वाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, राज सीओपी सिटीजन, और इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप कैसे बुक करेंगे, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके राजस्थान वाले यहां से बुक कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां से बुकिंग करना होगा, ई पास यहां पे आपको मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट का, इसका भी लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप केरला से हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको कर्फ्यू पास बुक करना है, जो भी एसेंशियल सामान आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, सबका लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है और करके इस प्रकार से आप
कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के और अपना सामान खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों में शेयर करें, सबको बताएं इस तरह से सर्विस लाई गई है पूरे राज्य में। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए जॉब के साथ। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएस सेल्विंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।